बीते कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध और इस गतिरोध से देश के तमाम बड़े अस्पतालों में मरीजों को हो रही परेशानी अब समाप्त होने के कगार पर है, जहां नीट पीजी काउंसलिंग के 12 जनवरी से शुरू होने की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है, जिस पर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नीट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए नीट काउंसलिंग शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया था, जिसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध में एक नोटिस भी जारी कर दिया है। INS रिपोर्ट।